गुड मॉर्निंग भाभी। भाभी जी ने अभी तक अरसल ऑफिस नहीं किया? अरसल नू छड़ो जलाल भाई जन, ऐ मैनू दसो सवेरे सवेरे लाड़ा बन के कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? वाह, तुमको बीचा ने बताया नहीं कि फैक्ट्री में हमारे लिए ऑफिस खोल दिया? केड़ी फैक्ट्री, केड़ा ऑफिस? जिसमें हमारा मासूमा का हिस्सा। हाँ सल्लू पुत्र सुन, बीजान ने नवा चौकीदार रख लिया फैक्ट्री में। कौन चौकीदार? ये जलाल भाईजान। ये हमारी फैक्ट्री जाएंगे? फिर बीजान को बता दे अम्मा के मैं घर में ही बैठ रहा हूँ, ये चले जाएं। बीजान यार इधर। हाँ आप माँ और बेटे का जलसी का लेवल चेक कर रही हैं, तकलीफ का क्या मसला है अरसल तुम्हें जलाल के फैक्ट्री जाने से? बीजान इनका क्या काम है फैक्ट्री में, इनको क्या पता वहाँ क्या होता है? और तुम तो जैसे माँ की गोद से सीखे सिखाए आए थे, खुट्टी में घोल के पिलाया था बिजनेस करना तुम्हारे बाप ने। बाप ने नहीं पिलाया था बीजान, दादाजी ने घोल के पिलाया था अगर आपको याद हो तो। तुम भी भूल जाओ सारी पुरानी बातें, जलाल फैक्ट्री जाएगा और जरूर जाएगा। ये हमारा आईपैड लेकर जाओ गाड़ी। गाड़ी में जाके बैठे। ठीक है हम गाड़ी में बैठते हैं, फौरन आओ। मैं ड्राइवर नहीं हूँ आपका बीजान, ये देखे समझाई ने। ये बदतमीजी देख रहा है इस बच्चे का, देख रहा बदतमीजी इस बच्चे का। ठीक कह रहा है वो, ड्राइवर नहीं है वो। जी बेहतर बीजान, आप जाइए। गुड मॉर्निंग बीजान। बड़े आई पे ओडी फैक्ट्री है। चल अरसल मैं तुझे नाश्ता बना के दूं, यहाँ पे तो हर वक्त बंटवारे हो रहे होते। चलो जल्दी गाड़ी चलाओ, ऑफिस से देर हो रहा है हमको। बाहर निकले बेटा। पागल है क्या? अगर हम बाहर निकलेगा तो हमारा कल वाला सूट खराब हो जाएगा। और अगर आप नहीं निकलेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और तमीज से बात करो, हम तुम्हारा पप्पा है आफ्टर ऑल, बिजनेस पार्टनर है हम लोग। ये कहानियां ना घर वालों के साथ किया करे पार्टनर वाली। पप्पा फैक्ट्री जाना है तो आगे बैठे, ड्राइवर नहीं हूँ मैं आपका, वरना ये रिक्शे में जाएं।